नाज़रीन, मईशत के मैदान से अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। जी हाँ, 4 साल बाद ऐसा मुमकिन हुआ है। इस फैसले के पाकिस्तानी मईशत पर क्या असरात होंगे, पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा, FATF आखिर है क्या, क्यों पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था और ग्रे लिस्ट क्या होती है, इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, तफसील में जाने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम तर वीडियोस, तमाम तर अपडेट्स सबसे पहले आप ही को मिले। नाज़रीन, FATF मुखफ्फ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। ये दरअसल एक टास्क फोर्स है जो दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली आनत वगैरह जैसे मसाइल को रोकने के लिए बनाई गई है। तारीख की बात की जाए तो FATF इदारे की तारीख 33 साल पुरानी है, जब साल 1989 में G7 ममालिक की जानिब से इसका क़याम अमल में लाया गया। शुरू में इसके रुकन ममालिक की तादाद बहुत कम थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टास्क फोर्स के अरकान ममालिक की तादाद बढ़ती गई। इस वक्त FATF की अरकान की तादाद 39 है, जिनमें 2 इलाकाई तंजीमें भी शामिल हैं। दूसरी जानब इस टास्क फोर्स का दायरा कार दुनिया के 200 के करीब ममालिक तक फैला हुआ है। पाकिस्तान एशिया पैसिफिक ग्रुप से ताल्लुक रखता है। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी काबिले जिक्र है कि FATF को बतौर आलमी इदारा मकबूलियत तब मिली जब अमेरिका में 9/11 के हमले हुए। इसके बाद इस टास्क फोर्स के मकासद में दहशतगर्दी की फंडिंग को रोकने जैसे इकदामात भी शामिल किए गए। FATF खालिस्तन तकनीकी बुनियादों पर काम करने वाली फोर्स है। इसमें टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से महारत रखने वाले माहरीन शामिल होते हैं, जो इस बात का फैसला करते हैं कि किसी मुल्क को ग्रे लिस्ट में रखा जाए या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ग्रे और ब्लैक लिस्ट से क्या मुराद है। FATF की जानिब से अगर किसी मुल्क को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है तो इसका मतलब है कि वो मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की आनत जैसे जुराइम पर काबू नहीं पा रहा, बल्कि सरकारी सरपरस्ती की जा रही है। जो ही FATF किसी मुल्क को ब्लैक लिस्ट करता है तो आलमी सतह पर वो मुल्क सफारती, मुआशी और तजारती तन्हाई का शिकार हो जाता है। नाज़रीन, दूसरी लिस्ट है ग्रे लिस्ट। FATF जिन ममालिक को ग्रे लिस्ट में रखता है उसका ये मतलब नहीं होता कि वो ममालिक मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जैसे जुराइम में हुकूमती सतह पर मुलव्वस है, बल्कि ये ख्याल किया जाता है कि ग्रे लिस्ट में मौजूद मुल्क इन तमाम जुराइम पर काबू पाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन नाकाम है। इस सिलसिले में FATF की जानिब से इस मुल्क को ऐसी पॉलिसियाँ बताई जाती हैं कि जिसकी मदद से इनकी ग्रे लिस्ट से निकाला जा सके। नाज़रीन, अब आते हैं पाकिस्तान की जानिब। पाकिस्तान को आखिरी बार जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। ग्रे लिस्ट में निकालने के लिए FATF ने पाकिस्तान को 40 शोबा जात के लिए तजावीज़ पेश की, जिनमें पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी फाइनेंस के लिए करप्शन, स्मगलिंग, मुंशियात, धोखाधही, टैक्स चोरी, अगवा, बराए तावान और भुट्टे के ज़रिए हासिल होने वाला पैसा, नकद लेन देन, रियल इस्टेट, कीमती धातु मसलन सोना वगैरह जेवरात की सूरत में महफूज किया जाता है और इसकी नकलो हरकत भी की जाती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान को कुल मिलाकर 34 नुकात पर अमल दरामद करना था। पाकिस्तान ने इन तमाम नुकात पर अमल दरामद करते हुए मुनासिब कानून साजी भी की है, जिसके बाद खबर है कि FATF की हालिया इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला कर लिया गया है। नाज़रीन, यहाँ ये बात आपको बताते चले कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला किए जाने के बावजूद भी मुतलका मामलात को हतमी नहज तक पहुँचने के लिए 7 से 8 माह का वक़्त लग जाएगा। मुमकिन है कि FATF का वफद पाकिस्तान का दौरा भी करे। वीडियो के आखिर में ये अर्ज करती चलूँ कि ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान में आलमी तजारत के मखसूस बंद दरवाजे खुल जाएंगे। पाकिस्तान में सरमाए की गैर कानूनी नकलो हरकत रुकेगी तो इससे आम आवाम को भी फ़ायदा होगा। इससे ना सिर्फ हुकूमत को दस्तावेजी मईशत में बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि कानूनी लेन देन में इजाफे से टैक्सों की वसूली भी बेहतर होगी।
सबसे बढ़कर दहशतगर्दों की माली मामलत और सहूलतकारी रुकने से मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल में भी बेहतरी आएगी। इसी के साथ आमना आदिल को दे इजाज़त, अल्लाह हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।